मुखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हेलो, फरमाइए। वालेकुम सलाम। रोजे भी रख पा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का भी कुछ शुगल है। तो जैसे बस मुझे ना वीकनेस बहुत जल्दी हो जाती है और मतलब एकदम से तबीयत जो है ना वो क्रैश होने लगती है। तो मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं मतलब अपनी जो इबादत करें तो उसको जरा मैं लंबा पढ़ सकूँ। नमाज को अभी तक मैं मतलब खड़े होकर नहीं पढ़ सकती, मैं बैठ के ही पढ़ रही हूँ। तो बस दिल को वो भी होता है, पता नहीं, बस खड़े होकर पढ़नी चाहिए, लेकिन बस पूरी दुआ भी कर दें मेरे लिए और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले आप भी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला आप आफियत दारैन अता फरमाए। और माशाल्लाह जो आपने इरादा किया कि रोज़े रखने का, तो माशाल्लाह रख रही हैं और सेहत व आफियत आपको नसीब हो रही है। अब बाकी ये मामला कि वीकनेस फील होती है उसके लिए नोट कर लें। अभी मैंने बताया ये वजीफ़ा, या कवीउल क़ादिरु, या कवीउल क़ादिरु कवीनी व कल्बी, या कवीउल क़ादिरु कवीनी व कल्बी। ये जो है वह हर नमाज के बाद अपने दिल पे हाथ रख के 7 मरतबा पढ़ना है, पढ़ के फिर अपने बदन पे फूंक दिया करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त मुजर्रब, इसे वीकनेस जो नहीं होगी। नमाज ये इबादत से पहले भी 7 दफ़ा पढ़ के अपने हाथों पे दम करके चेहरे पे फेर लें, सीने पे फूंक लें, तो इंशाल्लाह उस इबादत के अंदर आपको कुव्वत रहेगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत।